क्या आपने कभी किसी दरख्त या बादल को ध्यान से देखा है या फिर किसी पंछी को अपने दलान में या पेड़ की शाखा पर बैठे हुए क्या आपने कभी गौर किया है कि असल में क्या होता है सचमुच में आप क्या महसूस करते हैं जब किसी दरख्त को देखते हैं किसी पंछी या बादल को क्या आप उस बादल को देखते हैं या उस बादल की जो छाप जो छवि आपके मन में है उसे देखते हैं जरा पता लगा इसका आप किसी पंछी को देखते हैं और उसे कोई नाम दे लेते हैं या फिर कहते हैं मुझे यह कतई अच्छा नहीं लगता या ओह यह कितना खूबसूरत पक्षी है तो जब आप यह सब कह रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप असल में उस पंछी को देख ही नहीं रहे आपके शब्द या आपके विचार आपकी पसंद या नापसंद यह सब देखने से रोकते हैं आपको लेकिन एक चुनाव रहित सजगता है किसी चीज को देखना जो भी आप पहले से जानते हो बिना उसकी किसी दखल अंदाजी के क्योंकि किसी के साथ मिलन तो तभी होता है जब आप बिना किसी इनकार या स्वीकार के सुनते हैं सिर्फ सुनना ऐसे ही देखिए खुद को जीव का त्यू मानो आप किसी आईने में देख रहे हो जो भी आप असल में हैं, न कि जो आपको होना चाहिए या जो आप होना चाहते हैं हम देखने की हिम्मत नहीं करते अगर देखते भी हैं, तो यू कहने लगते हैं कि कितना भद्दा हूं मैं या कितना गुस्सेल हूं वगैरह देखना सुनना या गौर करना सिर्फ तभी संभव है जब आप विचारों और जज्बातों से आजाद होते हो जब न तो कोई निंदा होती है न ही कोई फैसला सुनाया जाता है आपने तो शायद अपने पत्नी या पति को भी उन छवियों के बिना नहीं देखा होगा जो आपने उनके बारे में बना रखी है कृपा करके इस सब को अपनी जिंदगी में देखें। आपने उनकी एक छवि बना रखी है और उसने आपकी और इन्हीं छवियों के बीच में ही संबंध होता है और ये छवियाँ बरसों की खुशियों कड़वाहटों, झगडों, नाराजगी गुस्से गिले शिकवे आलोचनाओं निराशाओं व कुंठाओं से बनती है और हम चीजों को उन छवियों के ही झरोके से देखते हैं जो हमने उनके बारे में बना रखे हैं आप वक्ता को सुन रहे हैं लेकिन आपने उसकी एक छवि भी बना रखी है इसलिए आप उस छवि को ही सुन रहे हैं आप सीधे तौर पर उससे जुड़े हुए नहीं हैं जीवन में किसी भी चीज से नहीं जब कोई सीधे तौर पर जुड़ता है तो जानते हैं क्या होता है बीच के फासले गायब हो जाते हैं दो लोगों के बीच की दूरियां वह अवकाश गायब हो जाता है और इसलिए एक घनी शांति छा जाती है वहाँ और यह केवल तभी संभव है जब आज़ादी हो छवियां बुनते रहने से आजादी मिथो और विचारधाराओं से आज़ादी ताकि आप सीधे तौर पर जुड़ सके जब आप सीधे उससे जुड़ते हैं जो कि असल में है, तभी रूपांतरण हो पाता है तब दिली अपना रंग लाती है आप जानते ही हैं ना, जो भी इस दुनिया में चल रहा है तरह तरह के तजुर्बे कर रहे हैं लोग ड्रग्स ले रहे हैं और जब आप कोई ड्रग या नशीली दवा लेते हैं तो देखने वाले और देखी जाने वाली चीज के बीच का फासला मिट जाता है आपने कभी मेज पर पड़े फूलों के गुलदस्ते को देखा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके और देखी जाने वाली उस चीज के दरमियान एक फासला है दूरी है स्पेस है वही स्पेस या दूरी ही समय है और वह दवा रासायनिक तौर पर उस स्पेस उस दूरी और समय को बीच से हटा देती है इसलिए आप कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो जाते हैं और उसी संवेदनशीलता की वजह से आप कहीं ज्यादा महसूस करने लगते हैं क्योंकि तब आप सीधे ही उन फूलों से जुड़े होते हैं लेकिन यह संपर्क तो थोड़ी ही समय का होता है तब आपको वह नशा लेते ही रहना पड़ता है जब हम जरा गौर से देखते हैं तो समझ में आता है कि कितनी बुरी तरह से संस्कारित है हम कितने ही विश्वासों में उस वहशी की तरह जो न जाने कितने अंधविश्वासों में जकड़ा पड़ा है और यही सब हमें असलियत से जुड़ने नहीं देता बीच में आ जाता है लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप सीधे तौर पर जुड़े हैं तो वहां कोई भी देखने वाला नहीं यह देखने वाला ही तो है जो बांटता है दूरिया खड़ी करता है जब कोई गुस्से में होता है तो जाहिर है कि गुस्सा उस हस्ती से बिल्कुल अलग होता है जो कहती है मैं गुस्से में हूं यू गुस्सा देखने वाले से अलग हो जाता है लेकिन क्या ऐसा है क्या देखने वाला खुद ही गुस्सा नहीं है और जब बीच की यह दूरी पूरी तरह खत्म हो जाती है तो देखने वाला ही उस शय के रूप में सामने आता है जिसे देखा जा रहा है और फिर गुस्से की कोई संभावना ही नहीं बचती गुस्सा और हिंसा सिर्फ तभी तक मौजूद रहते हैं जब तक देखने वाले और देखी जाने वाली शय के बीच की दूरी बनी रहती है यह एक बहुत ही पेचीदा सवाल है जिसके लिए एक गहरी छानबीन की अंतर झलक और गहरी पेट की जरूरत है शांति सिर्फ तभी होती है जब सब टकरावों से मुक्ति हो जाती है और उसी शांति से प्रेम पनपता है लेकिन तब तक प्रेम के स्वाद को जान पाना मुमकिन नहीं जब तक मन अपने बारे में सजग नहीं होता और सारे संस्कारों को पोछ नहीं डालता और आजाद नहीं हो जाता आजादी का यह सफर पूरी तरह अपने ही बलबूते पर करना होगा जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इंसान की मूल रूप से दो ही समस्याएं है आजादी और प्रेम आजादी का मतलब है व्यवस्था एक तरतीब पर व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था तो अब अफरा तफरी बनी हुई है एक बिखराव टकरावों में फंसी हुई यह व्यवस्था है जैसा कि आप समाज में देखते हैं जिसमें कि हम रहते हैं जिसे हम व्यवस्था कहते हैं असल में वह अव्यवस्था है क्योंकि वह हिंसा से भरी है हर आदमी दूसरे के साथ मुकाबले में खड़ा है एक दूसरे को बर्बाद करने वाली होड़ में वह शिपन फैला है चारों तरफ जो कुल मिलाकर अव्यवस्था ही है जंग नफरत महत्वाकांक्षाएं सब अव्यवस्था है अफरा तफरी है और हमने इस अफरा तफरी को ही व्यवस्था मान लिया है।, है ना हमने इस नैतिकता को सामाजिक नैतिकता को व्यवस्था मान लिया है लेकिन जब आप नजदीक से देखते हैं तो वह अव्यवस्था है अफरा तफरी है मेरे ख्याल से यह एकदम साफ है अगर आपको आपकी सहूलतों ने या परंपराओं ने बिल्कुल ही अंधा ना कर दिया हो तो यह एकदम साफ दिखेगा क्या उसके बारे में सजग हुआ जा सकता है और क्या वह सजगता एक मूलभूत क्रांति ला पाएंगी अभी आजादी का मतलब किसी चीज से आजादी नहीं मेहरबानी करके इस बात को समझे हमने मुश्किल मामलों में हाथ डाला है और किसी वस्तु की व्याख्या तो असल में वह वस्तु नहीं होती बदकिस्मती से हम यही समझते हैं कि व्याख्या के जरिए हम किसी वस्तु को समझ जाते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं व्याख्या एक चीज़ है और असलियत बिल्कुल दूसरी दरख्त शब्द तो दरख्त नहीं है लेकिन हम शब्द को दरख्त के साथ मडड कर लेते हैं तो आज़ादी जिसे हम आजादी कहते हैं वह किसी चीज से आजादी नहीं गुस्से से आजादी हिंसा से आजादी घोर निराशा से आजादी और जब आप किसी चीज से आजाद होते हैं तो क्या आप सचमुच ही आजाद होते हैं मेहरबानी करके अपने ही अंदर इस सच्चाई को देखें, उसकी गहराई में जाए या फिर आजादी किसी चीज से आजादी नहीं है बिल्कुल ही कोई दूसरी चीज है किसी चीज से मुक्त होना तो एक प्रतिक्रिया है और प्रतिक्रिया तो अनंतकाल तक खुद को दोहराती रह सकती है लेकिन जिस आज़ादी की हम बात कर रहे हैं वह बिल्कुल ही अलग चीज है मुकम्मल आज़ादी का एक एहसास किसी चीज से नहीं जो है उसके प्रति सजगता के एहसास का मतलब है किसी चीज के सारे ताने बाने को समझते हुए उससे आजाद होना स्वाभाविक ही ऐसी सजगता आजादी लेकर आती है जो प्रतिक्रिया नहीं होती सजगता मन की एक ऐसी दशा है जो देखती रहती है बिना किसी निंदा या सफाई के बिना किसी मंजूरी या ना मंजूरी के वह सिर्फ देखती है गौर से जब आप जज्बाती हड़कंप से गुजर रहे होते हैं तो यह और भी मुश्किल हो जाती है जब आपकी सुरक्षा आपका परिवार आपके मत विचार आपके विश्वास और निष्कर्ष सब डांवाडोल हो रहे हो और वे तो होंगे ही यह कुछ भी ऐसा नहीं जो सुरक्षित हो हर चीज बदल रही है और हम इस तब्दीली को मानने के लिए तैयार नहीं इसलिए खुद ही में उलझे हुए हैं। इसलिए जब हम एकदम शांत होकर अपने संसार को गौर से देखते हैं तो उस देखने भर से उस अवलोकन से ही आज़ादी आती है किसी चीज से आज़ादी नहीं क्या यह बात एकदम साफ समझ में आ रही है पता नहीं आप बात को समझ पा रहे हैं या नहीं मैं मौत से डरा हुआ हूं लेकिन वह तो आना ही है कल कल नहीं तो परसों, वह तो अपने समय पर अटल है जो असल में है और जो होगा उसके बीच में एक फासला है विचार को इस दशा का अनुभव है उसने मौत देखी है वह कहता है मुझे भी मरना होगा मौत आएगी विचार ही मौत का डर खड़ा करता है और अगर वह नहीं करता तो क्या कहीं कोई डर है तो क्या डर विचार का ही परिणाम है क्योंकि विचार पुराना है डर भी हमेशा पुराना ही रहता है थोड़ा ध्यान से देखे इसे विचार पुराना है कोई भी सोच नहीं, नहीं। अगर आप किसी नए विचार को पहचान लेते हैं तो इसका मतलब कि वह पहले से मौजूद है पुराना है तो हम सिर्फ पुराने के दोहराव से ही घबराए हुए हैं। विचार भविष्य पर वही थोप देता है जो कभी रहा था तो विचार ही डर की वजह है यह ऐसा ही है आप खुद इसे देख सकते हैं जब आप तुरंत किसी चीज का सामना करते हैं तो कोई डर खौफ नहीं होता वह तो जब विचार बीच में आ घुसता है तभी डर भी उभरता है तो हमारा सवाल यह है कि क्या मन के लिए इतनी भरपूरता से जीना संभव है पूरी तरह से वर्तमान में बने रहते हुए कि वह न तो कोई अतीत हो और न ही कोई भविष्य सिर्फ ऐसा ही मन है जिसे कोई डर नहीं होता लेकिन इसे समझने के लिए आपको विचार के ताने बाने को समय और यादों को समझना होगा और इसे समझे बिना सिर्फ जबानी कलामी नहीं बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि पूरे दिलो दिमाग से सब कुछ उसमें झोंकते हुए इसके बिना कोई आजादी नहीं परंतु जब पूर्ण आजादी होती है तो मन कोई डर खड़ा किए बिना विचार का इस्तेमाल कर सकता है इसलिए डर से मुक्ति तो एकदम जरूरी है आजादी एकदम जरूरी है क्योंकि अगर आजादी नहीं होगी तो कोई व्यवस्था नहीं होगी अमन चैन नहीं होगा इसलिए कहीं प्यार भी नहीं होगा लेकिन जब प्रेम होता है तो आप जो चाहे कर सकते हैं तब कोई पाप नहीं होता कहीं कोई टकराव खड़ा नहीं होता लेकिन प्रेम और आज़ादी को समझने के लिए हमें आज़ादी को कुछ इस तरीके से समझना होगा जो सिर्फ जबानी कलामी ना हो और ऐसी आज़ादी केवल अव्यवस्था को समझ लेने पर ही आती है और यह अव्यवस्था यह अफरातफरी तभी समझ में आती है जब आप विचार के सारे ताने बाने को उसके स्वभाव को समझ लेते हैं वक्ता के हिसाब से नहीं नहीं किसी मनोवैज्ञानिक के मुताबिक जब आप उनके हिसाब से समझते हैं तो आप अपने आप को नहीं समझते तब आप किसी अथॉरिटी या माहिर के हिसाब से समझते हैं खुद को समझने के लिए सभी विशेषज्ञों माहिरों को पूरी तरह से एक तरफ करना होगा मेहरबानी करके सहमति मत दिखाइए यह सहमति महज लफाजी है कोरी शाब्दिक इसके कुछ मायने नहीं बल्कि यह जानिए कि क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सभी माहिरों ने धर्म ग्रंथों ने किताबों ने गुरुओं और आपके मजहबी लीडरों ने आपको निराशा की इस घोर दलदल में फंसाया है अकेलेपन दुख और उलझनों के जाल में आप उनके मुताबिक चल रहे हैं या कम से कम ऐसा दिखाते जरूर है कि आप उनके हिसाब से चल रहे हैं लेकिन अब आपको यह सफर अपने ही बूते पर करना होगा यह कोई रहनुमा नहीं जो आपको राह दिखाएगा जो आपको किसी ऐसे आनंद की तरफ ले जाएगा जो किसी किताब या किसी मंदिर मस्जिद में मिलने वाला नहीं आपको यह सफर पूरी तरह अपने ही बलबूते पर करना होगा आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते क्यों आप किसी पर भरोसा करें? क्यों किसी माहिर के भरोसे रहे आप कहते हैं मैं उलझा हुआ हूँ मुझे कुछ पता नहीं आप जानते हैं तो कृपा करके बताइए क्या मतलब है इसका आप अपनी उलझन से भाग रहे हैं अपनी उलझन को समझने के लिए आप किसी दूसरे की तरफ नहीं देख सकते कि वह आपको आपकी उलझनों से छुड़ाए यह उलझाव तो आया ही इसलिए है कि वहां बाहर एक अथॉरिटी खड़ी कर रखी है आपने कोई माहिर उसी के वजह से यह हाल है देखिए इसे यह एकदम सीधी सी बात है बिल्कुल साफ आजादी और व्यवस्था व्यवस्था के बिना आजादी का होना संभव ही नहीं वे दोनों साथ साथ जुड़े हैं अगर आपके भीतर व्यवस्था नहीं तो आज़ादी हो ही नहीं सकती इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता अगर आप कहते हैं मैं तो जो जी में आएगा करूंगा। जब जी में आएगा तो खाना खाऊंगा जब मन करेगा तो क्लास में जाऊंगा तो आप अव्यवस्था फैला रहे हैं आपको दूसरों की जरूरतों का भी ख्याल रखना होगा सब कुछ ठीक ठीक चलता रहे इसके लिए आपको समय पर आना होगा अगर मैं आज दस मिनट देरी से आता तो आप सबको मेरा इंतज़ार करना पड़ता तो मुझे इन बातों का ख्याल रखना होगा मुझे दूसरों के बारे में सोचना ही होगा मुझे विनम्र होना होगा एक जिम्मेदार आदमी जिसे दूसरों का भी कुछ ख्याल हो उसी जिम्मेदारी से सजगता और मननशीलता से ही भीतरी और बाहरी दोनों ही तो व्यवस्था आती है और उसी व्यवस्था से ही आती है आज़ादी आप जानते ही है कि दुनिया भर में सिपाही रोज ड्रील करते हैं उन्हें बताया जाता है कि क्या करना है लाइन में चलना है वगैरह वे सिर्फ हुक्म का पालन करते हैं जाहिर है कि बिना कुछ सोचे समझे क्या आप जानते हैं क्या असर होता है आदमी पर उसका अगर आपको यह बताया जाए कि क्या करना है क्या सोचना है हुक्म मानने के लिए या किसी के पीछे चलने के लिए आपको मजबूर किया जाए तो क्या असर होगा इसका आप पर आपका दिमाग जड़ हो जाएगा पहल कदमी की उसकी क्षमता खो जाएगी फुर्ती खत्म हो जाएगी ऐसा बाहरी थोपा गया अनुशासन मन को भोंदू बना डालता है आपको लकीर का फकीर बना डालता है दूसरों की नकल करने को मजबूर कर देता है लेकिन अगर आप देखते सुनते सोचते समझते हुए खुद को अनुशासित करते हैं तो उस जागरूकता से सुनने से दूसरों का ख्याल रखने से ही व्यवस्था आती है और जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ हमेशा आज़ादी होती है अगर आप चीख चिल्ला रहे हैं अपनी ही बातों में लगे हैं, तो आप दूसरों की बातें नहीं सुन सकते सिर्फ तभी आप ठीक से सुन सकते हैं अगर शांत होकर बैठ जाए और उस तरफ ध्यान दे